गुमे किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि पत्रलेखा का मिजाज सही के प्रति पूरी तरह से बदल जाएगा। वो विनायक से सही के लिए गिफ्ट तैयार करने के लिए कहेगी। नहीं, पत्रलेखा सही के लिए भी टिफिन तैयार करेगी और उसे अपनी बेटी बताएगी। वहीं जब सही आएगी तो पत्रलेखा उसे अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांगेगी और कहेगी, बार बार माफ़ी मांगने से मेरी हरकतें बदलेगी नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफ़ी मांगूंगी। हॉस्पिटल में सही सोचती है कि विनायक ने उसे केवल इसलिए माफ़ किया है क्योंकि उसने पत्रलेखा की जान बचाई है। सही विनायक द्वारा दिए गए थैंक यू कार्ड के बारे में भी सोचती है। इसके साथ ही उसके मन में ख्याल आता है कि मैं विनायक को पत्रलेखा से कैसे दूर कर सकती हूँ। क्या कभी मैं सभी और विनायक का एक अच्छा परिवार बन भी पाऊंगी? इस चीज़ को लेकर माना जा रहा है कि सही विनायक की खुशी के लिए अपने कदम पीछे खींच लेगी। सो में आगे देखने को मिलेगा कि सही को उसकी नौकरी वापस मिल जाएगी। वो जैसे ही अपने केबिन में आकर बैठेगी, वैसे ही डॉक्टर सत्या स्पीकर लाकर डांस करने लगते हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर सुरवेश और दोनों नर्स भी डांस करके सही का स्वागत करेंगे, उसका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। उन सबको साथ में देखकर सही की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, सही डॉक्टर सत्या को शुक्रिया कहती है और कहती है, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। विराट पत्रलेखा को बताने की कोशिश करेगा कि वो उससे रिश्ता तोड़ना चाहता है, लेकिन कमरे में घुसते ही वो चारों तरफ सूर्य देखेगा। हालांकि सो में ये देखना दिलचस्प होगा कि विराट की बातें सुनने के बाद पत्रलेखा का अच्छा रूप जारी रहेगा या नहीं।